असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर आज की वीडियो के अंदर हम लिंग्विस्टिक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चरलिज्म और इस थ्योरी को पेश किया फ्रेडिन एंड डिसोर ने और वो कहते हैं फ्रेडिन एंड डिसोर वॉज अ स्विस लिंग्विस्ट क्रिएटेड विद फाइंडिंग द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स अ न्यू थ्योरी अपलाइंग इन लिंग्विस्टिक सिस्टम ही ऑफ़न ट्रीटेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक इस मोस्ट इन्फ्लुशल वर्क कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक विच पब्लिश पोस्टमसली इन 1916 सिक्सटीन फ्रेडिनन डिसो स्विस लिंग्विस्ट से और जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है और इनके जो सबसे बेहतरीन काम था वो है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक जो इन्होंने बुक लिखी थी और इनके जो बेसिकली ये ले थे जो अपने स्टूडेंट्स को दिया करते थे और उनकी मौत के बाद इनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस सारे काम को इन सारे लेक्चर्स को जमा किया और फिर एक बुक की सूरत में उसे पब्लिश किया और इसी कोर्स के अंदर उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को बयान किया था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सो स्ट्रक्चरल सिस्टम वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द की आइडियाज़ एंड डिस्टिंगशिंग बिटवीन साइन सिग्निफायर एंड रेफरेंट लेंगे एंड प्रोल साइक्रोनिक एंड डाइक्रॉनिक एंड सेंटगमेटिक एंड प्रगमेटिकश्योरस सेंट्रल बिटवीन लैंगी एंड प्रोल तो सबसे पहले सश्योर की जो स्ट्रक्चरल थ्योरी है उसको अंडस्टैंड करने के लिए हमें जो उनसे है कुछ कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है जिनमें साइन सिग्नीफाइड रेफरेंस को समझना ज़रूरी है लहंगी और प्रोल का हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है साइक्रॉनिक एंड ड्रिक जो सा है उसमें क्या फ़र्क होता है सेंटगमेटिक और प्रगमेटिक में क्या फ़र्क है और इसी तरह लहंगी और परोल क्या चीज है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम इस थ्योरी का बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड में हमें पता चलता है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज सम स्ट्रक्चर आवर सोलर सिस्टम हैज इट्स स्ट्रक्चर आवर बॉडी हैज़ अ स्ट्रक्चर एंड आवर सोसाइटी हैज स्ट्रक्चर नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फाउंड विदाउट स्ट्रक्चर्स दुनिया में जो भी चीजें हैं जितनी भी चीजें हैं वो कुछ स्ट्रक्चर रखती हैं हर चीज का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो हमारी बॉडी हो चाहे वो कोई पोइम हो कोई ड्रामा हो मतलब कि जो भी चीज़ है वो एक स्ट्रक्चर रखती है इन लिटरेचर टू वी हैव स्ट्रक्चर व्हेन वी स्टडी ड्रामा इट इज मेड ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट लाइक प्लॉट करेक्टर डायलॉग्स थाट एटसेट्रा प्लॉट्स टू हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग डाइग्राम तो ड्रामे के अगर प्लॉट की हम बात करें तो उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से बनता है तो बेसिकली जो प्लॉट होता है वो हम सब जानते हैं कि जिसमें ड्रामे के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो प्लॉट के अंदर होते हैं तो स्टार्टिंग उसकी कैसे होती है पहले सबसे पहले एक्सपोजिशन आता है जिसके अंदर हमें जो सा है करेक्टर्स और उसकी सेटिंग्स वगैरह के बारे में बताया जाता है फिर नेक्स्ट जो सा है वो राइसिंग एक्शन होता है और फिर क्लाइमेक्स आता है कि स्टोरी की एक पीक पोजिशन आती है जिसमें कन्फ्लिक्ट जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे होता है फिर इसके बाद जो है वो फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं प्रोटेक्निस्ट के और फिर नेक्स्ट जो से है लास्ट में हमारा रेजोल्यूशन आता है जिसमें हम जो ड्रामे की एंडिंग पोजिशन की तरफ मूव करते हैं तो ये जो सा है एक ड्रामे के प्लॉट के स्ट्रक्चर है उसके एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके एक प्लॉट बनता है तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म कोई नई थ्योरी नहीं है बल्कि हम इसको काफी अरसे से लिटरेचर के अंदर पढ़ते आ रहे हैं लेकिन इसकी जो थ्योरी थी वो जो सी है वो ट्वेंटी सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाई गई तो अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से एक स्ट्रक्चर रखती है और इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं इफ़ यू एग्जामिन एनी लैंग्वेज इट हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज फॉलोज द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट the vowel Q is always followed by U such as queen quarter quality one cannot use language only using consonant or using only vowels no sashoor has divided language into two components as under तो यू हम देखते हैं हर language एक अपना structure रखती है कुछ ऐसी language होती हैं जिनमें object पहले आता है फिर verb आता है फिर subject होता है और English language है उसमें subject verb और object का order आता है और इस सेम इसी तरह हर लैंग्वेज अपना एक स्ट्रक्चर रखती है इसी तरह वर्ड फॉर्मेशन के दौरान भी कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिस तरह से क्यू के बाद हमेशा यू लेटर आता है और सेम इसी तरह जो वर्ड्स बनते हैं वो कॉन्सोनेंट और वावल सौंड का मिक्सचर होता है ऐसा कभी नहीं होता कि एक वर्ड हो उसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड शामिल हो और वो वर्ड बन जाए या फिर उसमें सारे के सारे वोवल साउंड हो और वो वर्ड बन जाए कभी ऐसा नहीं होता वर्ड्स का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वावल और कॉन्सोनेंट साउंडस दोनों मिलती हैं तब जाके एक वर्ड बनता है और मज़ीद इसने किस तरह से स्ट्रक्चरलिज़म uh, को एक्सप्लेन किया वो हम देखते हैं अच्छा जी नेक्स्ट हमें बताया जाता है लैंग्वेज इज बाइंड्री मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग द बाइंड्री अपोजिशन ऑफ द वर्ड्स लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग फॉर एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड लाइट ओनली बाय नोइंग वट इज तो लैंग्वेज के अंदर ज़बान के अंदर जब भी हम मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम इसके जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करें उसके मीनिंग्स जो से हमारे माइंड में क्लियर हो तभी हम इनके बाय कंट्रास्टिंग एंड कंपेयरिंग के ज़रिए से हम उस मीनिंग को अखज़ कर सकते हैं जिस तरह से लाइट है अब लाइट के कंपेयर में डार्कनेस होगी तो हमें डार्कनेस का मीनिंग समझ होगा तो इसके कंपेयर में हमें पता होगा लाइट है इसी तरह दिन है तो इसके ऑपोजिट रात है यानी दोनों में डिफरेंस के ज़रिए से कंपेयर करने के ज़रिए से हम उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाए और इसी तरह ज़िंदगी है तो इसके साथ मौत है तो हम इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दोनों वर्ड्स को एक दूसरे से रिलेट करते हैं कंपेयर करते हैं कंट्रास्ट करते हैं तो तभी हमें ईज़ी होता है इनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना ही आर गुड डैट लैंग्वेज एंड एवरी अदर एक्सप्रेसिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ साइंस

It is the concept of thing referent of which we are talking about. Real thing It is the, the idea word is of our mind. Reference. जब तो सिग्निफायर से मुराद ये है कि दुनिया में जो भी चीज़ है चाहे वो फिज़िकली है या अब्सट्रैक्ट है चाहे वो हमारे इमोशंस होते हैं हमारे जज्बात होते हैं कुछ भी होती है तो वो जिनसे ना उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोई साउंड यूज़ करते हैं यानी उसको कोई नाम रख देते हैं उस नाम को हम उस चीज को उस नाम के साथ एसोसिएट कर देते हैं जिस तरह से हम जब वर्ड ट्री बोलते हैं तो ट्री का वर्ड जो उनसे है जिस चीज़ को एसोसिएट करता है या उस ट्री का वर्ड सुन के हमारे माइंड में जो इमेज बनता है तो वो जो उनसे है तो ट्री का जो वर्ड है वो बेसिकली सिग्निफाइड है अब सिग्निफाइड क्या होता है सिग्निफाइड ये है कि जब हमने इस ट्री का वर्ड सुना तो हमारे माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो बन गया उसे सिग्निफाइड कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे सुनने वाले सात सौ लोग होंगे या तीन सौ लोग होंगे तो हर एक के माइंड में जो उनसे है वो सिग्निफायर एक ही होगा मैंने लफ्स एक ही बोला यानी ट्री का वर्ड बोला लेकिन सुनने वाले जितने भी लोग होंगे उनके माइंड में डिफरेंट कलर के ट्री बनेंगे हर एक का जो कॉन्सेप्ट है ट्री का वो डिफरेंट होगा तो सिग्नीफायर से मुराद वो साउंड है जो हम उस चीज़ के लिए बोलते हैं जबकि सिग्नीफायर से मुराद वो कंसेप्ट है जो हमारे माइंड में आता है और रेफरेंट से मुराद एक्चुअल थिंक है यानी जो रियल में जो चीज़ होगी उसको हम रेफरेंट कहते हैं और ये सारी चीज़ें मिलकर साइन कहलाती हैं तो हम कह सकते हैं जो साइन है वो तीन चीजों का कंपोनेंट है सिग्निफायर सिग्निफाइड एंड रेफरेंट का इन तीनों के बगैर ये तीनों एक दूसरे के पर डिपेंड होते हैं अगर एक भी चीज मिसिंग होगी तो वो साइन नहीं कहलाएगा लेकिन इसके अलावा वो ये भी कहता है द बॉन्ड बिटवीन द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज आर्बिट्रेरी देर इज आर्बिट्रेरी कनेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द टू फोर्स श्योर

आर्बिट्रेरी से मुराद ये है कि अगर कोई भी चीज़ है कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके जो नाम रखे हैं वो इनहेरेंट तौर पे उन्हें नहीं मिले नेचुरल तौर पे उन्हें नाम नहीं मिले बल्कि वो नाम हमने खुद रखे हैं और वक्त के साथ साथ जब उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो नाम उसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है इसकी एग्जैंपल बिल्कुल आप यूं समझ सकते हैं जिस तरह से कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं उसका इनहेरेंट तौर पे कोई नाम नहीं होता ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका क्या नाम रखेंगे चाहे अली रखें चाहे असलम रखें चाहे नबील रखें कुछ भी नाम रखें जब हम उसका एक दफ़ा नाम रख देते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ जब बार बार उसे बोला जाता है और उस बच्चे को उस नाम के साथ पुकारा जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो नाम और बंदा एक दूसरे के साथ एसोसिएट होने लगते हैं और जब फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका नाम बोला जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में उसी की तस्वीर बनेगी या उसी के बारे में ख़्याल आएगा सेम इसी तरह चीज़ों के जो नाम हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि सिग्नीफायर जिनसे है वो नाम है चीज़ों के इमोशंस के या किसी भी चीज़ का जो नाम है वो सिग्नीफायर कहलाता है और जो इसका माइंड में कन्सेप्ट बनता है उसको सिग्निफाइड कहा जाता है और इन दोनों के दरम्या में जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है अगेन ही हाईलाइटेड एन अदर डिस्टिंगशन बिटवीन साइक्रॉनिक्रॉनिक अब सश्योर जिनसे है वो साइक्रॉनिक और डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक के दरमियान में को आइडेंटिफाई करता है इसके मुताबिक साइक्रोनी क्या होता है साइक्रोनी रेफर्स टू स्टडी ऑफ कंप्लीट लिंग्विस्टिक सिस्टम एट अम सोर एम्स वॉज टू शो डेट लैंग्विज कैन बी स्टडी साइक्रॉनिकली एंड डेट दिस इज नॉट द मोस्ट एल्यूमिनेटिंग वे टू एक्सप्रेसिट इट वाई diachronic? It refers how the linguistic system develop over a period of time. इसके मुताबिक जो साइक्रोनिक और डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक में फर्क क्या होता है साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक वो होती है जब किसी एक गिवन टाइम के अंदर पार्टिकुलर जो पीरियड टाइम है उसकी पीरियड की जो लैंग्वेज है उसको स्टडी की जाती है फॉर example जिस तरह से मॉडर्न इंग्लिश होगी ओल्ड इंग्लिश होगी मिडल इंग्लिश होगी इस एरिया के बीच में जो लैंग्वेज बोली जाती है उस पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जो लैंग्वेज को स्टडी करने को हम सैक्रॉनिक कहते हैं जबकि डायक्रोनिक क्या होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो लैंग्वेज के अंदर चेंजिंग आती गई और जो भी उसके अंदर नए वर्ड्स आते गए और जो पुराने वर्ड्स थे वो डेड होते गए ये सारी चीज़ें हम जो है डाइक्रॉनिक स्टडी में करते हैं तो अगर आप इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल पे इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मौजूद है आप वो वीडियो देख सकते हैं सश्योर यूज टर्म लैंगी टू सिग्नीफाई लैंग्वेज एज अस्टम और स्ट्रक्चर लैंगी ऑन द अदर हैंड बाई परोल ही मीन्स एनी गि अटर इन दैट लैंग्वेज तो सश्योर कहता है कि बेसिकली जो लैंग्वेज है एक पूरा सिस्टम है डैट्स मीन ये एक लहंगी है लेकिन जब इसको परफॉर्म किया जाता है यानि इसके वर्ड्स जब बोले जाते हैं अदा किए जाते हैं तो वो परोल के जुमरे में आ जाता है जितनी भी लैंग्वेज हैं वो बेसिकली लहंगी है और जब इसे हम बोलते हैं हर बंदा अपने तरीके से इसे परफॉर्म करता है बोलता है तो पूरी लैंग्वेज एज ऐसा लेंगी है और जबकि इसको परफॉर्म करना इसको बोलना पेरोल कहलाता है कि एक इंडिविजल जिनसे है वो लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करता है उसे इस्तेमाल में किस तरह से लाता है जिस तरह से रोज़मर्रा जिंदगी में हम किसी से कोई स्टेटमेंट किसी को पास करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो कोई किसी भी चीज के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं तो बेसिकली जो भी हम लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसे प्रोल कहा जाता है यानी किसी भी इंडिविजुअल का जो बोलने का प्रोसेस है प्रोल से मुराद ये है कि जब भी कोई इंडिविजुअल लैंग्वेज को यूज करता है तो उसका यूज करना उस लैंग्वेज का यूज करना वो प्रोल कहलाता है ऑन द अदर हैंड जब हम लहंगी को देखते हैं तो लहंगी क्या होता है लहंगी रेफर्स टू द रूल्स बिहाइंड द वे द लैंग्वेज इज एंड यूज तो है लहंगी से मुराद ये है कि किसी भी लैंग्वेज को जो बनाने के रूल्स हैं उसे लहंगी कहा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से वर्ड्स बनाए जाते हैं तो कौन कौन सी सॉन्ड्स यूज़ होंगी वर्ड्स को बनाने के लिए इवन कौन सी जौन सी हैं सॉन्ड्स प्रोड्यूस होंगी और कौन सी ऐसी सॉन्ड्स होंगी जो किसी भी वर्ड के अंदर साइलेंट रखी जाएंगी और इसी तरह जब सेंटेंस बनाया जाएगा तो किस ऑर्डर के साथ हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे ताकि एक ऐसा सेंटेंस बना सके और ग्रामेटिकल भी करेक्ट हो और मीनिंगफुल भी हो तो ये जो रूल्स होते हैं जो कि लैंग्वेज को बनाने के लिए यूज़ होते हैं उसे लैंगी कहते हैं और जो ये रूल्स होंगे जो कि इस लैंग्वेज को बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो उस सारी कम्युनिटी पे लागू होंगे जो कि इस लैंग्वेज को यूज़ करती हैं और प्रोल क्या है प्रोल जो उनसे है इन जो रूल्स को यूज़ करने का जो काम है वो प्रोल कहलाता है तो असूल लैंग्वेज सबके लिए एक जैसी होगी लेकिन जो इसको यूज़ करने के तरीके होंगे हर आदमी के डिफरेंट होंगे यानी लहंगी एक जैसी होगी लेकिन प्रो सब के लिए डिफरेंट होगा आप इसको देखें इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक कोई गेम हम खेलते हैं चाहे वो लूडो हो या क्रिकेट मैच हो तो उसके कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं जो कि हर बंदा जो है उसको फॉलो करना उसके लिए ज़रूरी होता है जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन पर लागू होता है कि वो उन रूल्स को फॉलो करें लेकिन क्या होता है कि जब उसे प्ले करने की बारी आती है तो हर जो प्लेयर होता है वो अपने लिहाज से उसे प्ले कर रहा होता है खेल रहा होता है तो परफॉर्मेंस सबकी चेंज होती है लेकिन रूल्स जो उनसे हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं तो इसी तरह जो उनसे हैं लहंगी में जो लैंग्वेज के असूल होते हैं बनाने के जो असूल होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं लेकिन जब यूज़ करने की बारी आती है तो वो सब अपने अपने तौर पे इंडिविजुअली तौर पे हर बंदा अपने तरीके से यूज़ करता है तो जी नेक्स्ट पॉइंट जो हम स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे वो है सिंटेगमैटिक और प्रेगमैटिक रिलेशन इन आर टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज अब स्ट्रक्चरलिज्म को सेंटेगमेटिक uh, को देखते हैं कि सिंटेगमैटिक क्या होता है दिस रेफर टू द लेनियर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन लिंग्विस्टिक सेंटेंस और फ्रेज इट डील्स विद द वे वर्ड्स और मॉरफीम्स आर ऑर्गेनाइज इन सीक्वेंस टू कन्वे मीनिंग यानी सेंटगमेटिक के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से लीनियर पोजिशन के अंदर हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है या फिर हम फ्रेज बनाने के लिए उन वर्ड्स को एक पार्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं तब वो अपना मीनिंग देते हैं तो सेंटगमेटिक से मुराद ये है कि जब वर्ड्स को या जिसे हम मॉरफीम कहते हैं उनको एक सीकुंस के अंदर ज किया जाता है तब वो मीनिंगफुल सेंटेंस देते हैं या फ्रेज़ देते हैं अच्छा जी नेक्स्ट हम जो डिस पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है पैराडिकमेटिक इसके अंदर हम जो वर्ड्स होते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं और किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं उसमें हम इसे वर्टिकल अंदाज़ में देखते हैं जिस तरह से हम सेंटकमेटिक के अंदर वर्ड्स की लीनियर जो अरेंजमेंट थी उसको देखते थे ठीक है यानी हम उसमें वर्ड्स के ऑर्डर को हॉरीजेंटल तौर पर देख सकते थे जबकि प्रगमेटिक के अंदर हम लोग जो उनसे है उसकी जो स्टडी है उसको हमने वर्टिकल अंदाज में स्टडी करना है और वर्ड्स को हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और ये नहीं है कि हम कोई भी वर्ड लगा दें यानी एक ऐसे वर्ड के साथ हमें उसे रिप्लेस करना है ताकि वो प्रॉपर हमें मीनिंग दे अब एग्जांपल है द कैट इज़ ऑन द मैट तो इसमें अगर हम देखें तो जो वर्ड्स होते हैं उसमें द कैट सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया यानी एक सीक्वेंस के लिहाज से हमने वर्ड्स को अरेंज किया जिसने उसे मीनिंगफुल बना दिया यानी एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारे सामने आ गया और अब अगर मैं इसको यूं कह देती हूँ मैट द ऑन इज कैट द अब हैं तो वही वर्ड्स लेकिन मैंने इनकी जो अरेंजमेंट थी उनको चेंज कर दिया है तो क्या ये जो सेंटेंस है ये हमें प्रॉपर मीनिंग दे रहा है कन्वे कर रहा है तो नहीं जनाब बिल्कुल ऐसा नहीं है तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि वर्ड्स को लीनियर फॉर्म में अरेंज किया जाए यानी द कैट है उसका जो कनेक्शन है वो इसके साथ है इसका ऑन के साथ है और फिर जो सा है वो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा तभी ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन पाएगा तो इस रिलेशनशिप को हम सेंटेक्मेटिक रिलेशन कहते हैं और सेम इसी एग्जांपल को अगर हम प्रगमेटिक रिलेशन के लिहाज से देखें तो इस सेंटेंस के अंदर हम कैट की जगह पे डॉग भी लिख सकते हैं रेड भी लिख सकते हैं और इसी तरह जो सा है मैट की जगह पे हम रग लिख सकते हैं नहीं इसकी रिप्लेसमेंट में हम उसी तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो के अंदर हमने लीनियर फॉर्म में उसकी अरेंजमेंट को पढ़ा था और प्लेगमेटिक के अंदर हम वर्टिकल अंदाज में उनकी अरेंजमेंट को देखते हैं बल्कि उनकी कह सकते हैं रिप्लेसमेंट को देखते हैं और अब हम वर्क और टैक्स के दरमियान में फर्क अंडरस्टैंड करेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है तो ट्वेंटियथ सेंचुरी से पहले जितना भी लिटरेचर था उसे हम एज अ वर्क कंसिडर करते थे लेकिन इसके बाद क्रिटिक्स की थॉट में एक चेंजिंग है क्रिटिकल क्रिटिकल अप्रोच जो सी है वो चेंज हो गई और वर्क को हम एज अ टेक्स कंसिडर करते थे तो इन दोनों में क्या फ़र्क है उसे हम देखते हैं बिफोर नाइनटीन द क्रिटिक्स यूज टू इंटरप्रेट लिटरेचर एज सिंगुलर वर्क फॉर एग्जाम्पल वर्ड फर्थ रोड डेफोडील दिस पॉइंट वॉज कंसिडर एज अ वर्क ऑफ आर्ट and it was considered as a close-ended work but after 1920th we find a change in the critical approach towards literature no the novel poem or play were no considered as work instead they were now considered as texts. works were taken as a physical object before 1920th no, the texts were considered as linguistic structure. Texts have language, and language is open to the multiple interpretations. By understanding language, we may develop a lot of meaning out of a text, uh, such as poem, play. All these things are considered as texts, and texts are open-ended. तो नाइनटीन से पहले जितना भी लिटरेचर था हम उसे वर्क कंसीडर करते थे और जिसके अंदर सिर्फ जो राइटर की थॉट थी उसी को इंपॉर्टेंट समझा जाता था लेकिन नाइनटीन के अंदर जो है क्रिटिकल अप्रोच में चेंजिंग आती गई और हम लिटरेचर को जिनसे है एज़ अ टेक्स कंसीडर करते थे और टैक्स जो है एक ओपन एंडिड रखता है जिसके अंदर हर बंदा अपनी थाट्स को शामिल कर सकता है अपनी फीलिंग्स को शामिल कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसे इंटरप्रिटेट कर सकता है तो हम कह सकते हैं लिटरेचर को सेंचुरी से पहले किस तरह से देखा जाता था एज अ वर्क देखा जाता था लेकिन ट्वेंटिय सेंचुरी के बाद लिटरेचर को एज अ टेक्स कंसीडर किया जाता है नंबर टू पॉइंट इज जब हम लिटरेचर को एज अ वर्क कंसीडर करते हैं तो उसमें हम राइटर की बायोग्राफी उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो इरा जिसमें वो लिखा गया है ये सारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वर्क को इंटरप्रेट करने के लिए जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो नाइनटीन सेंचुरी के अंदर जो राइटर की बायोग्राफी थी उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था और वो इराद जिसके अंदर वो वर्क लिखा जाता था वो लिटरेचर लिखा जाता था उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी नंबर थर्ड पॉइंट इस जब लिटरेचर को एज अ वर्क कंसीडर किया जाता था तो उसमें जो मीनिंग्स थे वो सिर्फ वही मीनिंग्स उससे लिए जाते थे या उससे वही मायने अखज़ किए जाते थे जो कि राइटर के होते थे जो कि ऑथर खुद से सोच के लिखता था उसके बारे में खुद से जो राय रखता था वही मीनिंग कंसीडर किए जाते थे जब लिटरेचर को एज अ टेक्स कंसीडर किया जाता था इसमें मॉडर्न जो क्रिटिसिज्म को ज़्यादा फोकस किया जाता था इसमें हर राइटर की अपनी ओपिनियन होती थी और इसी तरह जब लिटरेचर को एज अ टेक्स कंसीडर किया जाता है तो इसमें जो से है हर राइटर की अपनी राय होती है अब वो अपने नुक्ता नज़र से उस टेक्स को देखता है तो इस पर जो सा है फिर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है और उससे जो मीनिंग होता है हर जो पढ़ने वाला होता है वो अपने सोच और अपने दिमाग के मुताबिक उसे मीनिंग अखज़ कर सकता है नंबर फोर पॉइंट वर्क्स वर्क क्लोज एंडेड एंड इट कन्वे लिमिटेड और जो टेक्स्ट होता है वो वर्क जो से है वो क्लोज एंडिंग होती है उसमें हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते उसमें अपनी थाट्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते जो राइटर की बस थाट होगी जो राइटर का बैकग्राउंड होगा उसकी बायोग्राफी होगी वो सारी कंसीडर की जाती है जबकि टैक्स के अंदर देखें तो इसकी टैक्स को सिर्फ हम जौन से है जोन सिर्फ टैक्स को ही देखा जाता है उसमें राइटर की बायोग्राफी उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें कुछ भी वो देखा नहीं जाता बल्कि हर जो राइटर होता है हर जो आदमी पढ़ने वाला होता है वो उसे अपने मुताबिक इंटरप्रेट करता है तो इस वजह से टैक्स ओपन हैंडड होता है तो हम कह सकते हैं जब भी स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी की बात की जाती है तो इसके अंदर किसी तरह का सोशल कल्चरल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल एसोसिएशन की बात नहीं की जाती यानी स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी हमें बताती है कि इन तमाम चीज़ों से लैंग्वेज फ्री है और जिसकी वजह से बाद में काफ़ी ज़्यादा इस थ्योरी पे क्रिटिसाइज भी किया गया था और जबकि स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के अंदर हम लैंग्वेज को स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर के थ्रू तो इसको इसके मीनिंग्स को इसके वर्ड्स के मीनिंग्स को इसके फ्रेज़ के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये तो थी आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं